दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने जाएंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस का लक्षण क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस में कौन सी जांचें और टॉन्सिलाइटिस में हम लोग कौन सी इलाज कर सकते हैं, यानी कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। दोस्तों देखिए, आप अक्सर ये सुने होंगे कि डॉक्टर्स कहते हैं जाड़े का दिन आ गया या आप कोई ठंडा आइसक्रीम वगैरह पी लिए तो कहते हैं कि आपके गले में टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ गए हैं। तो आज इसी वीडियो पे हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उससे पहले आप नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी का भी जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे केवल मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देता रहूंगा। बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस। देखिए, जो आपका अंदर का, यहाँ पे आप देखेंगे अंदर के रीजन में टॉन्सिल्स होते हैं, उसके अंदर सूजन शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, तो उसी को हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब जानते हैं कि इसमें क्या सिम्टम यानी लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स के शरीर पे झेलने को मिलता है या देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि उसको खाना निगलने में दिक्कत होता है। उसको क्या होगा कि यहाँ पे अंदर में पूरे के पूरे सोर थ्रोट बना रहेगा, उसको पेन होगा, उसका जो अंदर का जो उल्वा रीजन है, आप देखें जिसको कहते हैं आम भाषा में कि घंटी लटक रहा है, उसके दोनों साइड में रेडनेस बना रहेगा, यानी लाल लाल हो जाएगा, एरिथमिया हो जाएगा। वहां पे क्या होगा कि आपको बुखार वगैरह भी शुरू हो जाएगा, आपका जो लोकल लिम्फ नोड है यहाँ पे उसके अंदर भी स्वेलिंग आ सकता है, टेंडरनेस आ सकता है, यानी सूजन हो सकता है, ये आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी सूजन आ सकता है। आपको क्या होगा कि लगातार जाड़ा देखे बुखार आएगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और अगर इस टॉन्सिल्स को हम लोग समय पे ठीक नहीं करते हैं तो ये अंदर जाके मवाद बना देता है, जिसको कि हम लोग पैरा टॉन्सिलर एप्सिस भी कहते हैं। मवाद के साथ अंदर ये छोटे छोटे पत्थर भी बना देते हैं, जिसको हम लोग टॉन्सिलेथिस बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे पत्थर नुमा बन जाते हैं, ये इन्फेक्शन जो है आपके कान तक पहुंच जाता है, आपके कान के अंदर भी दर्द होगा और आपके गले के अंदर भी दर्द होगा, दोनों साइड में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं कि इसके अंदर कौन से हम लोग जांचें करवा सकते हैं। तो दोस्त देखिए, इसके अंदर हम लोग प्रमुखता से जो जांच होता है, एक तो आपका स्वैब हम लोग लेते हैं, थ्रोट का जो स्वैब होता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको हम लोग पैथोलॉजी सेंटर में भेजते हैं। उसके साथ में हम लोग एक सीटी स्कैन है या एक्सरे है, इसका हम लोग करते हैं, पूरे नेक रीजन का करवा देते हैं। फिर हम लोग करते हैं एक ब्लड जांच करा लेते हैं, ताकि हम लोग को खून में मालूम हो सके कि इन्फेक्शन वगैरह कितना है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। ब्लड कल्चर वगैरह भी करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर दोस्तों हम लोग एराथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, ढेर सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, तो हम लोग ब्लड रिपोर्ट के अनुसार है और पेशेंट के सिम्टम के अनुसार ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक का हम लोग को यूज करना है और कितने समय के लिए यूज करना है। इसके साथ में अगर पेशेंट को एलर्जी वगैरह है तो उसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। और अगर यहाँ पे एप्सिस वगैरह बन चुका है, यानी अंदर मवाद वगैरह है, फोड़ा बन चुका है टॉन्सिलाइटिस के अंदर, तो हम लोग छोटा सा माइनस का ऑपरेशन के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के यहाँ उसको हम लोग रेफर कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप किसी ऐसे समस्या से जूझ रहे तो मुझको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और लोगों को शेयर उनके व्हाट्सएप पे जरूर कर दे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी सही सही नॉलेज पहुंचेगा, उनको सही ज्ञान मिलता रहेगा। मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।